ये सड़क कोलकाता से पेशावर तक जाती है और इसे भारत के बादशाह शेर शाह सूरी ने मध्यकालीन युग में बनवाया था। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैं जरा थोड़े से मैं ये बता दूं कि इसके आगे बाद में डॉक्टर सिन्हा ने हठ योग के बल पर अपनी अत्येंद्रिय शक्तियां अर्जित की और लोगों को ये भी बतलाना शुरू किया कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। अंत तो गत्वा उनकी प्रगति रुक गई और अत्यधिक योगिक क्रियाओं और व्यायाम के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हो सकता है कि वे इतने परिवक्त नहीं हुए थे कि हठ योग में अहंकार बस पथ भ्रष्ट हो जाने के दुष्प्रभाव से अपनी रक्षा कर पाते। जाड़े के दिनों में करीब करीब 10 जनवरी के आसपास एक बड़ी संख्या में बाहर से भक्तगण आए, क्योंकि 14 जनवरी से बड़ी ही शुभ स्नान का पर्व शुरू होने वाला था। कुछ भक्त लोग इस चक्कर में थे कि उनको कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाए। यद्यपि इस समय तक उनके शरीर और स्वभाव अभी इतने परिवक्त नहीं हुए थे, वे बाबा जी के पास आते, उनके सामने बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते और ध्यान समाधि भी लग जाती, जब तक कि बाबा जी उन्हें फिर से चेतन जगत में न ले आए। एक दिन तो एक के बाद एक चार भक्त एक साथ ही इस अवस्था में चले गए। बस बाबा जी ने चिल्लाना शुरू किया कि ये लोग तो अब मर गए हैं, ले जाकर इनका दाह संस्कार कर दो। उनको चेतन अवस्था में ही ले जाकर पीठ के बल पर दूसरे कमरे में साथ साथ लिटा दिया गया। सब लोग बड़ी उद्विग्न अवस्था में थे कि अब क्या होगा, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने बाबा जी के इन खेलों को पहले भी देखा था। हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हम तो खेल का मजा ले रहे थे। बाबा जी का ये खेल करीब करीब 5 या 6 घंटे चला। मैं कभी चुपके से अंदर जाकर देख आता था कि उन सब लोगों की क्या हालत है। मुखर्जी दादा ने जाकर बाबा जी से प्रार्थना की कि वे उन लोगों को फिर से जागृत अवस्था में ले आएं, क्योंकि कुछ खाया पिया भी नहीं है। बाबा जी उठे और उस कमरे में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे बड़ी उत्सुकता थी, मैं बरामदे से चढ़कर बाहर की खिड़की से झांकने लगा। खिड़की के कांच से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि बाबा जी ने अपना अंगूठा और अपनी तर्जनी उंगली उनके मुंह में डाली, जिससे कि उन लोगों के लिए सामान्य तरह से सांस लेना आसान हो गया। योगियों की भाषा में इसे खेचरी मुद्रा का तोड़ना कहा जाता है। मैं ये जानता हूँ कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि इस तरह के सवालों का जवाब दे सकूँ। ये तो मुझे एक पहुँचे हुए योगी ने इस मुद्रा के बारे में बताया। एक एक करके सब जगे और अद बेहोशी की सी हालत में काफ़ी देर तक रहे और जब चलते थे तो लड़खड़ाते थे। मैंने अपने गुरु की निजी ज़िंदगी में इस तरह से झांकने की गुस्ताखी पहली बार और आखिरी बार उस वक्त की, और शायद वे ये चाहते रहे होंगे कि मैं भी यह सब देख लूं। बाद में यदि मैंने कुछ देखा भी है तो जान करके नहीं, वरन संयोग बस मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं
कि ये सब चीज़ें आज 55 साल बाद भी मेरी स्मृति में चित्रपट की तरह सजीव है और मेरा अचेतन और अवचेतन मन बिना किसी समय की धूमिलता के एक वीडियो टेप की भांति हर तरह बीते वक्त को फिर से चित्रपट पर प्रस्तुत कर रहा है। कानपुर शहर के करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पनकी नाम का एक स्थान है। वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ मंगलवार के दिन बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। सैकड़ों की तादाद में भक्त लोग हर मंगलवार को वहाँ जाते हैं। ये मंदिर ग्रैंड ट्रंक रोड से थोड़ा हटकर है। ये सड़क कोलकाता से पेशावर तक जाती है और इसे भारत के बादशाह शेर शाह सूरी ने मध्यकालीन युग में बनवाया था। बाबा जी ने इसी ग्रैंड ट्रंक रोड के पास ही हनुमान जी के एक और मंदिर के लिए यह स्थान चुना। ये मंदिर थोड़ा छोटा ज़रूर था, पर बस स्टॉप के नज़दीक था और इसे लखनऊ और कानपुर के भक्तों ने मिलकर बनवाया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।